बस उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। चलिए तो आज का ब्लॉग कुछ यूँ है कि आज मेरी बेटी की हो गई थी तबियत खराब, हमें अचानक हॉस्पिटल आना पड़ा इसके चेकअप के लिए क्योंकि जनरल की तबियत काफ़ी ख़राब थी, तो उसे एडमिट करने का कह रहे हैं डॉक्टर। ऐसे ही लगा ये जन्नत के पप्पा बेचारे रात भर के जगे हुए हैं, सुबह का टाइम है वो ये आया है मक्खन की टिक्की छोटी सी, दो ब्रेड हैं और ये गरम गरम शीर खोमा और ये क्या है, ओ बॉयल एग, हाँ बॉयल एग है और ये शुगर वगैरह है, सॉल्ट है, ब्लैक पेपर है। तो ये जन्नत का आ गया है ब्रेकफास्ट और अभी हम जन्नत को ब्रेकफास्ट करवाएंगे, पापा फिर इसकी सेटिंग बना रहे हैं सोने की। तो ये जन्नत का रूम था। अच्छा जी, तो फिर रात भर जागने के बाद कुछ सबके चेहरे ऐसे हो रहे थे और फिर रात गुजरने के बाद सुबह का मंज़र हमने कुछ नहीं देखा कि बारिश का मौसम हो रहा था और टाइम गुजरता गया और फिर ऐसे ऐसे करते दोपहर हो गई और फिर जन्नत के ड्रिप्स वगैरह और जन्नत का ट्रीटमेंट जारी था। जन्नत का मुंह देखो कितना उदास हुआ मेरी बेटी का और फिर बस फिर इस तरह से दिन गुजरते गए। और ये आ गया है जन्नत का लंच। लंच में है वाइट चावल बिना नमक वाले और यखनी थी, चिकन यखनी बहुत ही अच्छी थी वो, क्योंकि जन्नत ने नहीं खाई थी वो मैंने खाई थी। साथ में बनाना है, ब्रेड है और साथ में एक पर्ची जिस पर जन्नत का नाम लिखा हुआ है और लिखा हुआ है। ये हो गया जन्नत का लंच जो कि जन्नत ने बिल्कुल भी नहीं खाया। और फिर इतने ज़्यादा देर डॉक्टर ने जन्नत की ड्रिप वगैरह चेंज की। जन्नत जन्नत तबीयत कैसी है आपकी? नहीं बता रही जन्नत, नहीं बता रही। अरे भाई जन्नत की तबीयत ठीक नहीं है, जन्नत की मम्मा इसकी हेयर बना रही हैं अभी और फिर जन्नत जल्दी से ठीक हो जाएगी तो फिर ये घर पर जाएगी इंशाल्लाह। जन्नत के बन गए हैं हेयर सही है, ये मुँह क्रॉस करी थी इसकी पोनी क्रॉस बनी है। नहीं यहाँ तो देख लो आपके व्यूअर्स क्या बोलेंगे, जन्नत तो कैसी इतनी उदास हो गई है, ये देखो मेरी बेटी कितनी उदास उदास हो गई है, सिर्फ पार्लर लगा हुआ है, ड्रेस चल रही है। ये भैया आ गया है जन्नत का रात का डिनर और ये मेरे ख्याल से ना मुझे सूप लग रहा है, थोड़ी खोलेंगे तो पता चलेगा क्या है ये। तो ये सूप है, ये ब्रेकफास्ट लंच और डिनर सब में स्लाइस देने है और ये, अरे वाह ये तो गरम गरम चाय लग रही है जन्नत। ये भी सूप है, ये सूप है तो फिर ये क्या है, खिचड़ी है, चिकन वाली खिचड़ी सूप है, ये दलिया। अच्छा तो ये दलिया, दोनों के भाई चेहरे एक जैसे हैं तो वो समझ नहीं आया, दलिया है ये। और ये जन्नत की सिचुएशन की अभी कुछ ऐसी है, इसने भी जूस और ये कुछ स्नैक्स लिए हैं। थोड़ा हर्ष दो व्यूअर्स को देख के, थोड़ा व्यूअर्स को भी तसल्ली होगी यहाँ पर जन्नत सही हो रही है, इतनी बातें करने वाली व्लॉगर छोटी व्लॉगर कुछ बोल भी नहीं रही। और फिर बज गए थे रात के 3 से 3:30 बजे का टाइम था और जैन सो चुके थे, अलाउ नहीं था कि दो लोग रुकें, एक बंदे के साथ एक ही बंदा रहना था। तो फिर जैन सो चुके थे, उनकी नींद ख़राब करना मुझे तो मुनासिब नहीं लगा था, फिर मैं बाहर आके बैठ गई रात के 3 बजे। ये हॉस्पिटल में बच्चों को हैप्पी करने के लिए डॉक्टर्स खुद
इस तरह की कुछ कैरेट्स वगैरह क्रिएट करते हैं ताकि ऐसे बच्चे हैप्पी रहे हैं। और ये अभी जन्नत एडमिट है इस हॉस्पिटल में और जन्नत अभी सो रही थी, इस वजह से वो जन्नत से बात नहीं कर सके। उन्होंने कहा जन्नत उठ जाए, तो हमारी तरफ से ये जन्नत को दीजिएगा कैरेट, हैप्पी कैरेट। तो फिर आज जन्नत को पिकअप दिया है डॉक्टर्स ने पिंक कलर का, क्योंकि गर्ल्स है ये। कल जन्नत को स्माइली कैरेट मिली थी और आज ये पिकअप, कितनी अच्छी बनाई है देखें। और जन्नत ने ना इसका, जन्नत ने पहले इसका फेस नहीं देखा और कहा ये हवा है, यानी कि जो फ़ैन जो हम घर में बनाते हैं बच्चों के लिए, तो जन्नत से पहले फ़ैन समझे, देखिए फ़ैन लग भी रहा है ना। फिर बाद में उसका फेस सामने आया तो पता चला ये तो पिकॉक था। तो ये बनाया बड़ा प्यारा है भाई, ये देखिए इसके अंदर भी उन्होंने शेड्स दिए हैं। बस जन्नत हॉस्पिटल में एडमिट थी और अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत आज बहुत बेहतर है और जन्नत आज जा रही है अपने घर। फाइनली जन्नत आप खुश हैं अपने घर जाके? जन्नत भी उदास थी कि पूरे व्लॉग में जन्नत ने कोई बात ही नहीं कही, अभी थोड़ी हल्की सी स्माइल आई, अभी भी इसकी ड्रिप लगी हुई है कंटिन्यूस की ड्रिप, लेकिन आज हमें डिस्चार्ज कर दिया क्योंकि डॉक्टर्स ने कहा है कि काफ़ी इसकी तबीयत में बेहतरी है। लेकिन घर जाके इसका पूरा मंथ इसका दवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि अभी घर से आते इतना जल्दी इन्फेक्शन पर से नहीं जाता है, तो फिर इसका इन्फेक्शन जाने के लिए एक महीना लगेगा, जिसमें हमें एहतियात करनी है, खाने पीने में परहेज़ करनी है। तो फिर आज खैर से हम जा रहे हैं घर और आज मैं अपना व्लॉग यहाँ पे करती हूँ ख़त्म। और आपको मेरा व्लॉग थोड़ा लेट मिलेगा क्योंकि हम 4 दिन हॉस्पिटल में हमने स्टे किया है, तो फिर जब आपको हमारा व्लॉग मिलेगा तब तक जन्नत घर पर होगी। तो व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और जन्नत के लिए ढेर सारी दुआएँ कीजिएगा। अगले व्लॉग के लिए अल्लाह हाफिज़।